students, today we will talk about a very first unit in class 11th and that is very very important. 11th ही नहीं 12th में भी ये unit आपके साथ हमेशा चलेगा. Fine. The name of the unit is units and measurement. So before we can start with units and measurement, you people have to be just a look on what is the need for measurement. आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कोई भी टीचर जब ये स्टार्ट करता है यूनिट एंड मेजरमेंट कि ये बताओ कि इस नीड ऑफ मेजरमेंट व्हाई वी हैव द नीड फॉर मेजरमेंट, हमें चीजों को मेजर क्यों करना है, क्या जरूरत है. देखिए यहां पे तीन मेजर क्वांटिटीज की मैं बात करूंगा. नंबर वन, यू पीपल नो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मास. फाइन. यू पीपल नो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लेंथ. And you people know we are always talking about time. ये जो time है, third quality जो मैंने लिखी, commonly हमारे घरों में clock या watches की form में it is always appearing, right? तो measurement, अब अगर मेरे को यही पता ना हो, I am going to measure the time. For example, early in the morning somebody is asking, tell me the time, और आप वहाँ पे बोल दे 9 meter, unauthentic. या आपको कोई पूछे हाउ मच शुगर यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम द मार्केट और आप बोल दें कि आई एम ब्रिंगिंग 5 second, राइट. हाउ मच पाथ यू पीपल कवर्ड, कितना पाथ आपने कवर करा, आप यहां पे बोल दें 20 gram, तो आई थिंक इट इज इलॉजिकल. इट मींस व्हाट इज द नीड फॉर द मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों है. मेजरमेंट की जरूरत इसलिए है सो दैट विद रिस्पेक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी वी हैव वेल डिफाइंड यूनिट, हम किसी भी क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर सकें, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिफरेंशिएट कर सकें. फॉर एग्जांपल, सो इफ यू हैव टू वियर द शर्ट और वो शर्ट किसी और के मैच की हो तो हाउ इट इज पॉसिबल टू वियर बाय यू पीपल, राइट. तो हमें मेजरमेंट की इसलिए जरूरत है. एक सिंपल क्वेश्चन को आप सिंपल फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं. नंबर वन, मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. नंबर टू, इट विल गिव अस एन एक्यूरेट अमाउंट. एंड नंबर थ्री, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, इट विल गिव द एग्जैक्ट आइडिया हाउ द इवेंट इज हैपेंड and at what time the event is happened. So these are certain points which you need to take care while we are taking care of the need for the measurement, right? I hope this is clear. अब बच्चे measurement में second important thing है कि आप measure करोगे किसको? तो whenever we are going for the measurement, I need to study the second important article which is known as physical quantities. ये फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास क्या होती हैं? व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, राइट. एंड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर. सो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज फिजिकल क्वांटिटीज. कौन सी क्वांटिटीज को आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे? ऐसी क्वांटिटीज जिनको या तो आप डायरेक्टली मेजर कर लो या इनडायरेक्टली मेजर कर लो. फॉर एग्जाम्पल, अब डायरेक्टली बच्चे तुम्हें पता है मास को आप कभी भी मेजर करेंगे, मास इज इक्वल टू 2 kilogram. या तो आप जब कभी शॉपकीपर के पास जाते हैं, दे आर हैविंग अ बैलेंस, बैलेंस के ऊपर वो चीज रखते हैं और वहां पे उसका भार आ जाता है, मास आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 kilogram. स्प्रिंग बैलेंस बाय विच वी कैन मेजर द मास, राइट. तो वी आर मेजरिंग द मास डायरेक्टली. द सेकेंड क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल इज टाइम. अब आप टाइम को भी डायरेक्टली मेजर करते हो, देयर इज अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू, आपने क्लॉक के ऊपर देखा टाइम, इट्स 9 o'clock, राइट. तो आई एम सेइंग 9 a.m. अर्ली इन द मॉर्निंग और 9 p.m. इन द इवनिंग, राइट. तो वी कैन मेजर द टाइम डायरेक्टली, आई थिंक वी कैन मेजर द टाइम डायरेक्टली, फाइन. सो दीज मेजरमेंट्स दे आर द डायरेक्ट मेजरमेंट. What I told you, a quantity is said to be a physical quantity if it can be measured directly or indirectly. तो अब आप question पूछेंगे कि sir, what do we mean by indirect measurement? Indirect measurement, अब बच्चे अगर मैं बात करूं density, fine. आपको पता है density is always equal to mass divided by volume. अब mass का measurement मैंने यहां करा हुआ है directly. But in order to measure the volume, you people know, volume is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. And all these, they are the form of the length. Length into length into length. तो बच्चे इस तरह के measurement को बोला जाता है indirect. Where either I am having the quantities,
इन द डिवीजन फॉर्म और इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। अगर मैं आपको बोलूं मोमेंटम कैलकुलेट करो, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको मास और वेलोसिटी दोनों का पता होना जरूरी है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली मेरे पास एक क्वांटिटी आएगी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंटम। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर आइदर डेंसिटी और आइदर मोमेंटम। सो दिस इज फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस। फाइन, सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities with the quantities which can be measured either directly or indirectly. Okay, अब बच्चे ये physical quantities जो हैं, these physical quantities are further classified into two types. What these two types are? Just have a look over these two types, right? Physical quantities are further classified into two types. Number one, the type one physical quantity is known as fundamental physical quantities. Fine. ये fundamental physical quantities कौन सी होंगी? Number one is fundamental and second type is known as derived physical quantities. Okay. Derived physical quantities. So physical quantities are further classified into two type. One is known as fundamental. Fundamental वो होंगी जो standard physical quantities होंगी, and these are seven in number. For example, fundamental physical quantity, first one is mass, second one is length, then third one is time. Fine, मैंने आपको बोला ये वो physical quantities हैं जिनको directly measure करते हैं हम लोग, and number four is the it is electric current, or you can say current. Number five is, this is number A, number B, number C, number D, number E. After electric current, I am talking about temperature. It is also the fundamental physical quantity. Then next one is luminous intensity. Luminous intensity. And the last one is quantity of matter. Quantity of matter. So these are fundamental physical quantities. अब question arise होता है, इनको fundamental physical quantities क्यों बोला? These are those physical quantities which are standard physical quantities. ना तो इन quantities को हम किसी के multiplication से, ना किसी के division से derive करेंगे. Fine. ये as it is exist करती हैं, and they have unique units as well as unique dimensional formulas. समझिए? इसलिए इसको बोलेंगे fundamental physical quantities. अब बच्चे fundamental physical quantities के जो unit होंगे, उन units को बोला जाएगा fundamental unit. तो आपको पता है, what is the unit for the measurement of masses? It is kilogram. What is the unit for the measurement of length? Meter. The unit for the measurement of time, second. The unit for the measurement of electric current, it is ampere. अगर आप simple symbol लिखेंगे तो capital A, नाम लिखेंगे A-M-P-E-R-E, small a. Temperature is measured by the symbol K. Luminous intensity, candela. And whenever I am talking about quantity of matter, it is measured in mole. Fine. So these quantities, they are known as fundamental physical quantities. और बेटा इनके units को क्या बोलेंगे? Fundamental units, right? I hope this is clear. So here what I did, what I told you, what are the physical quantities? The quantities which can be measured directly or indirectly are known as physical quantities. Physical quantities are further classified into two type. One is known as fundamental physical quantities and another one is known as derived physical quantities. Fundamental physical quantities I listed here. Mass, length, time, electric current. Next one is temperature, luminous intensity and quantity of matter. So these quantities, they are fundamental physical quantities. Come to the next. Next one is derived physical quantities. अब बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको आप ड्राइव करेंगे किससे? बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मीनिंग इसका ये हुआ कि आप फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, और मेरे पास उसके उपरांत या उसके बाद जो क्वांटिटीज आएंगी उन क्वांटिटीज को मैं बोलूंगा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
So see, there are many examples of derived physical quantities. अगर मैं आपको बोलूं speed, you people know better. Speed is always equal to distance divided by time. अब आप ध्यान से देखिए, distance का मतलब हुआ length divided by time. किसी भी distance को आप हमेशा क्या बोलेंगे? That distance is equal to length. So see, I am going to utilize length, one of the fundamental quantity, and another one is time, second fundamental quantity. दोनों को मैंने divide करा, divide करने के बाद मेरे पास जो quantity आई, that quantity is speed. So speed is basically known as derived physical quantity. इसका मतलब जो speed के unit आएंगे, unit कहाँ से आएंगे? जब आप length के unit को time के unit से divide करेंगे, what is the unit of length? It is meter. So it is meter divided by second. तो बच्चे मेरे पास यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड. व्हाइल आई एम कैरिंग दिस मीटर टू द अप डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर, इट इज पर सेकंड. इट मींस स्पीड इज अ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड मीटर पर सेकंड इज इट्स ड्राइव यूनिट. आई होप दिस इज क्लियर. फाइन, कम टू द नेक्स्ट. इफ आई एम नाउ टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द फोर्स, force is also derived physical quantity. Why it is derived physical quantity? Force is equal to mass multiplied by acceleration. Now देखो ध्यान से, मैंने mass को लिखा m, acceleration is velocity per unit time, that is velocity divided by time, या speed divided by time. आपने speed किसके बराबर लिखी? So this is mass multiplied by, see from here, speed is equal to length upon time. So this is length divided by time, and one time is already there in the denominator. तो अब आप जब force को drive करेंगे, किसका use करके आपने force को drive करा? By the use of mass. Mass is fundamental physical quantity. By the use of length. Length is fundamental physical quantity. So mass multiplied by length divided by time square. This quantity is equal to force. और बेटा यहाँ से जो unit आएगा, what the unit is? Mass is measured in kilogram. देखो यहाँ से, mass is measured in kilogram. Length is measured in meter divided by, this time is measured in second. Another time measured in second. So this is equal to kilogram meter per second square. और बेटा ये जो kilogram meter per second square होता है, इसको हम बोलते हैं Newton. SI unit for the measurement of the quantity. Quantity is known as force. So this is a simple idea. How one can define what? One can define the physical quantity, then differentiation between the physical quantities. One is fundamental, another one is derived. Fundamental कौन से होंगे? They are seven in number. Their units are basically known as fundamental units. And by the use of these fundamental physical quantities and fundamental units, we can have the derived physical quantities and their units. So any problem till here? Before I can proceed further, are you facing any problem till here? No, good, it's fine. So it means now I can switch to my second article. Fine. The second article here is, अब आपको बच्चे यहाँ idea हो गया number one कि what is the need for the measurement. Number one, measurement की need क्यों है? Number two, measurement हम करेंगे किसकी form में? How we can do the measurement? And number three, ये physical quantities क्या थी आपके पास? How we can define the physical quantities and how further we can have the different types of physical quantities and how ultimately we can get an idea about these quantities, right? So I hope till here no problem you people are facing. अब बेटा यहाँ से एक question arise होता है. Question number one, I am giving you an answer to this numerical. Prove that numerical value is inversely proportional to the unit, or I can say unit is inversely proportional to the numerical value. अब meaning क्या है इसका? इसका meaning ये हुआ, जहां आपका unit बड़ा होगा, see carefully, जहां आपका unit बड़ा होगा वहां numerical value को कम होना पड़ेगा, और जहां आपका यूनिट छोटा होगा वहां न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा. सी एन एग्जांपल. अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके यहां पे चलूं, एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑफ मास.
माना आप लोग बाजार गए और बाजार से आप 2 किलोग्राम शुगर यू आर ब्रिंगिंग टू योर होम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितनी शुगर लेके आए बच्चे आप, 2 किलोग्राम। अब यूनिट है किलोग्राम, दिस इज अ बिगर यूनिट, तो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई, 2। लेकिन अगर मैं यूनिट को छोटा कर दूं, इसको ग्राम कर दूं, राइट, तो मेरे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यू पीपल नो दिस, फाइन। सो इफ आई एम हैविंग द बिगर यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉलर, बट इफ आई एम हैविंग द स्मॉलर यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज बिगर। तो इट मींस जो चीज मैंने यहाँ पे बोली वो अल्टीमेटली होती है यहाँ पे, राइट, कि अगर आपका यूनिट बड़ा हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा होना पड़ता है, और अगर आपका यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, बड़ा। अब बच्चे ये मास है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है ये मास, फिजिकल क्वांटिटी। यहां 2 न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं n1 से रिप्रेजेंट करूंगा, किलोग्राम इज यूनिट u1, एंड दिस 2000 इज अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय n2, एंड g इज ग्राम इज अनदर यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय 2, फाइन। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहां मेजर करी मास, उसका मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहा, इट मींस n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फाइन। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, वेन एवर आई एम मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट रिलेशन आई एम हैविंग फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2, एंड वेन एवर वी आर मेजरिंग इट इन डिफरेंट यूनिट्स, My physical quantity remains same. समझे? वो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि n1 numerical value multiplied by unit in one system of unit is equal to numerical value multiplied by unit in the another system of unit. और इनका product हमेशा किसके बराबर आएगा? Constant के बराबर, right? तो what I can write for this? तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि numerical value multiplied by unit that is always equal to कॉन्स्टेंट, फाइन। जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी कॉन्स्टेंट, इट मींस माय न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय यूनिट, आई एम ब्रिंगिंग दिस यूनिट फ्रॉम हियर टू द डिनोमिनेटर। अब आप लोगों को पता है व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, इट इज 1 डिवाइडेड बाय यूनिट, सो दैट रिजल्ट आई एम सीकिंग हियर, और ये रहा आपके रिजल्ट का फाइनल प्रूफ। तो यहां पे अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका यूनिट बड़ा है, सी इफ माय यूनिट इज इन किलोग्राम, न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉलर, इट्स वैल्यू इज 2, लेकिन जैसे ही आपने बच्चे अपने यूनिट को छोटा करा, योर यूनिट इज स्मॉलर, अगर आपका यूनिट स्मॉलर हुआ तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, तो इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजेस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सो दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, लार्जर द यूनिट स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, बट इफ स्मॉलर द यूनिट लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइन। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली, इन द सेकेंड लेक्चर आई विल लेट यू नो व्हाट आर द डायमेंशनल फॉर्मूलाज, and with the help of dimensional formula how we can solve the 3 different types of very very important numericals in my unit 1. If still you are facing any problem in the topics which I discussed today, kindly have a comment in the comment box. Thank you.